किसान आंदोलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम तरीके के एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय किसान यूनियन ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया था और इसको देखते हुए जगह जगह पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के लखनऊ स्थित कार्यालय पर। हमारे ठीक सामने आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सुरक्षा बल है उसको तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया है। जो प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे थे उनको हिरासत में ले लिया गया और इस तरीके से जहां जहां से भी ऐलान हुआ था कि प्रदर्शन किया जाएगा उन पार्टी कार्यालयों के बाहर आप देखेंगे कि सुरक्षा बल एहतियातन यहां पर तैनात कर दिया गया है। हालांकि लखनऊ में कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन करने की कोई ऐसी योजना नहीं थी, लेकिन बीते दिनों जिस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्देश दिए थे कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंस रखी जाए, इसलिए विधानसभा और उसके आसपास सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि वो आज लखनऊ के जो दोनों सांसद हैं यानी राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर, इन दोनों को ही एक ज्ञापन एक मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और भारतीय किसान यूनियन ने लखनऊ के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पर शायद निकलने ना दिया जाए। आप देखेंगे कि भीतर कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं आपको राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर, बाहर सुरक्षा घेरा आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा जो यहाँ के जो आसपास के इलाके हैं विधानसभा के इर्द गिर्द वहाँ पर भी सुरक्षा घेरा बेहद सख्त कर दिया गया है, यानी प्रदर्शनकारियों के लिए बाहर सड़कों पर निकलना इतना आसान नहीं होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।